guys, what's up? Welcome back to my channel and guys, welcome back to another real horror story. So guys, आज की कहानी मुझे भेजा है अगेन मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है पूर्णा बोस एंड पूर्णा ने अपनी ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू उन्होंने मुझे भेजा था. सो गाइस, पूर्णा ने अपनी इस कहानी में वो कहाँ से है यानी कि इंसिडेंट कहाँ की है इसके बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ये स्टोरी काफी ज्यादा क्रीपी है. सो जो लोग इस तरीके की सुपरनैचुरल चीजों पे, स्पिरिट्स ये सब की एग्जिस्ट करते हैं, इन सब चीजों पे अगर बिलीव करते हैं तो वो काफी रिलेट कर पाएंगे इस कहानी से. बट जो लोग इन चीजों से बिल्कुल ही उन लोग को एकदम बिलीव नहीं है, उनके लिए शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इस कहानी को सच मानने के लिए. बट गाइज, ये एक रियल एक्सपीरियंस है जो पूर्णा और उनकी फैमिली के साथ हुआ था. तो चलिए अभी हम जल्दी स्टोरी को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है पूर्णा ने. एंड पूर्णा के साथ ये इंसिडेंट हुआ था 2017 होली के ठीक 2 हफ्ते पहले. तो तब से ये सारी जो एक्सपीरियंसेस मैं अभी आगे आपको कहानी में बताऊंगी उस समय से शुरू होने लग गया था. सो पूर्णा अपनी फैमिली के साथ रहती है एंड उनके फैमिली में है उनके मम्मी पापा, उनकी एक बहन, उनके चाचा और 2017 में उनकी दादी भी उनके साथ रहती थी जब से ये सारी चीजें शुरू हुई थी. पर आज के डेट में पूर्णा की दादी इस दुनिया में नहीं है एंड पूर्णा ने बहुत बार अपनी कहानी में मेंशन किया है दैट वो अपनी दादी की बहुत क्लोज थी. उनकी दादी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो आज भी अपनी दादी को जो है बहुत ज्यादा याद करती है, बहुत मिस करती है. तो अब बात करते हैं उनके चाचा की. तो पूर्णा के जो चाचा है उनको तांत्रिक विद्या आती थी, यानी कि ये सारी चीजें जैसे किसी के शरीर से स्पिरिट निकालना हो, भगाना हो, ये सारी चीजों की काफी अच्छी नॉलेज उनके चाचा रखते थे. काफी ज्यादा वो ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाई करते थे. तो आस पड़ोस के लोगों को भी जो है इस चीज के बारे में पता था कि पूर्णा के चाचा को ऐसी चीजें आती है. तो कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उनके घर चले जाते हैं. तो एक दिन पूर्णा के घर में 2 औरतें आई. सो बेसिकली वो दोनों बहने थे, एक का नाम था सिमरन, दूसरे का नाम था पल्लवी. सो सिमरन पल्लवी को पूर्णा के घर लेकर आई थी उनके चाचा से मिलने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही थी और उनको पूर्णा के चाचा की ही हेल्प चाहिए थी. तो जब चाचा मिले तो उन्होंने पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, बताइए, अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा. तो सिमरन ने पूरी कहानी बताई कि पल्लवी एक शादीशुदा औरत है एंड उनके 2 बच्चे हैं जो उस वक्त पूर्णा की एज की ही होंगे, करीब 9-10 साल के थे वो लोग. पर पूर्णा के अंदर एक आत्मा है, इस चीज का एक विश्वास है सारे सिमरन के पूरे परिवार को, क्योंकि वो बहुत सारी अजीब सी चीजें जो है घर पे करने लग गई है जो वो पहले कभी नहीं करती थी. सो इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करते हुए सिमरन ने बताया पल्लवी के जो हस्बैंड है वो अगर उनको थोड़ा सा भी टच कर दे, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, बुलाते वक्त भी अपना हाथ जब किसी के कंधे में भी रखते हैं तो उस तरीके से बुलाने पर भी पल्लवी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता था कि वो इतनी जोर से अपने पति को धक्का मारती थी कि वो करीब 50 मीटर वो दूर जाकर गिरते थे. इस तरीके की चीजें वो करने लग गई जिस वजह से पल्लवी के हस्बैंड को काफी ज्यादा चोट भी आती थी. वो काफी दूर रहने लग गए थे अपनी ही बीवी से. और एक दिन क्या हुआ, अभी रिसेंट इंसिडेंट जो पल्लवी के साथ हुआ था वो ये हुआ था कि सभी लोग सो रहे थे और रात को अचानक से पल्लवी अपनी नींद से उठकर घर के छत पर चली जाती है और वहां से कूदने के लिए कोशिश करती है. बट उसी वक्त जो है पल्लवी के पति उनको देख लेते हैं ये करते हुए एंड वो काफी डर के, क्योंकि वो उनके पास जाते ही तो पल्लवी उनको एकदम से धक्का मार देती है. बट फिर भी वो डर के वहां पे पास गए और किसी तरीके से अपनी वाइफ को, पल्लवी को नीचे उतार लिए और वो कूदने से उनको जो है बचा दिया. उसके बाद वो नीचे आते ही वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग गई कि वो सिमरन जो है वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी, वो इस तरीके से रोने लग गई थी. तो ये सारी चीजें जो है पल्लवी अपने घर पे कर रही थी जो वो ऐसे नहीं करती है. कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं जिस तरीके से उन दिनों पल्लवी कर रही थी. तो ये सारी बातें सुनने के बाद सिमरन के मुंह से पल्लवी के बारे में पूर्णा के चाचा ने बोला कि ठीक है, काम करिए, आप कल आइए, कल इसका प्रोसेस जो है हम शुरू करते हैं. जो भी मुझे आता है, जिस तरीके से मैं उस आत्मा से बात कर पाऊँ, वो सारी
सारी चीजें जो है मैं इसी घर में करूंगा और आप इनको लेके कल आइए। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हुआ तो सभी जो है घर पे जो पूर्णा के फैमिली वाले वो सभी काफी डरे हुए थे क्योंकि घर ही पे वो प्रोसेस होगा जो उनके चाचा करेंगे, तो वो लोग भी वेट कर रहे थे। उनके लिए भी एक बड़ी चीज थी कि ऐसा कुछ चीजें उनके सामने होगा, पर जिस कमरे में वो प्रोसेस उन्होंने शुरू किया पूर्णा के चाचा ने, वहां पे कोई और अलाउड नहीं था। वहां पे सिर्फ थे पूर्णा के चाचा और वो दो बहनें जो सिमरन और पल्लवी, और वहां पे और कोई नहीं था। सो बगल वाले रूम में सारे जो बच्चे हैं उस घर के, फिर सब जो भी फैमिली मेंबर्स है वो सब कोई दूसरे कमरे से देख रहे थे। सो बच्चे हैं ऑब्वियसली, पूर्णा की उम्र सिर्फ 9 या 10 साल की थी तब, एंड उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, डर भी लग रहा था कि क्या होने वाला है। तो सारे बच्चे जो ताका झाकी करके ये सारी चीजें दूसरे कमरे से देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद पूर्णा के जो चाचा है उन्होंने एक लौंग लिया हाथ में और उन्होंने पल्लवी को बोला कि तुम ये लौंग खाओ। तो पल्लवी के बॉडी में, शरीर के अंदर एक आत्मा है ऐसा सभी को विश्वास हो रहा था, तो उनको बोल दिया कि एक लौंग खाओ। एंड उस लौंग में पता नहीं ऐसा क्या पावर था, पर पल्लवी एकदम से बोलने लग गई, पर उनकी जो आवाज है गाइस वो आवाज एक सिर्फ जेंडर की नहीं निकल रही थी, वो एक आदमी और एक औरत, ये दोनों आवाज से उन्होंने बोला, बहुत ही भारी आवाज उन्होंने निकाला और बोला कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। और इसे बोलते ही जब वो आवाज एकदम से रूम में गूंजने लग गई, सब लोग ज्यादा बहुत ज्यादा डर गए। पूर्णा भी उस वक्त दूसरे कमरे में थी, वो भी काफी ज्यादा डर गई क्योंकि एक लड़का और एक लड़की दोनों आवाज साथ में निकल रहे थे और वो बार बार यही बोल रही थी कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। और उसके तुरंत बाद पल्लवी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हाई हो गया, पल्लवी का जो शरीर है वो इतना ज्यादा गर्म हो गया था, मतलब ऐसा मानो कि उनको एक बहुत बहुत तेज बुखार चढ़ गया था, इस टाइप का चीज हो गया था। तो इस वजह से पूर्णा के चाचा को वहीं पे अपना जो प्रोसेस है वहीं पे रोकना पड़ा। एंड उन्होंने फिर बोला कि ठीक है इसको यहीं पे अभी बंद करते हैं और आप लोग एक काम करिएगा, होली के ठीक एक हफ्ते पहले आप यहाँ पे आइए, फिर हम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीजें तो होली के 2 हफ्ते पहले से हो रहा था, पर पल्लवी की हालत इस तरीके से बिगड़ जाने के वजह से पूर्णा के चाचा ने उनको होली के ठीक एक हफ्ते पहले भी बुला लिया। तो फाइनली वो दिन आ गया एंड होली के एक हफ्ते पहले सिमरन अपनी बहन को लेकर फिर से पूर्णा के घर पे आई एंड फिर से जो है वो प्रोसेस शुरू किया। तो उन्होंने ऐसा कौन सा पावरफुल मंत्र बोला ये तो हमें नहीं पता, बट उससे वो आत्मा जरूर मजबूर हो गई थी कि उनको फिर से बोलना पड़ा कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैंने इससे शादी करी है और मैं इसे छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। तो ये सुनकर तो सभी एकदम से हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, यानी कि ये आत्मा है कौन, क्या हम लोग इसे जानते हैं, क्या इसका कोई रिश्ता जुड़ा हुआ था पल्लवी से पहले ही। तो ये सारे सवाल सभी लोगों के दिमाग में आए एंड सब बहुत ज्यादा शॉक हो गए। बट पूरी कहानी उसके मुंह से निकालने के लिए जो पूर्णा के चाचा है वो उससे काफी ज्यादा बात करने लगे, कोशिश करने लगे ताकि वो सब कुछ एक्चुअल जो रीजन है क्यों वो पल्लवी के शरीर में आया है इसके बारे में वो बता दे। तो फाइनली उस आत्मा ने बताया कि वो उस टाइम की बात है जब पल्लवी की शादी भी नहीं हुई थी और तब उनका घर जो था एक कब्रिस्तान के पास था। तो उस समय एक दिन ईद थी एंड ईद के दिन पल्लवी जो है काफी अच्छे से तैयार हुई थी, परफ्यूम वगैरह लगाया था, नया साड़ी उन्होंने पहना था एंड वो एक आम के पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई थी और किसी से वो फोन पे बात कर रही थी। और उस समय उस आत्मा का कहना है कि वो उस समय उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था और जब उसने पल्लवी को देखा वो इतना ज्यादा आकर्षित हो गए पल्लवी से कि वो पल्लवी के साथ ही चलने लग गए। एंड थोड़ी दिन बाद ही पल्लवी की शादी हो गई एंड जिस दिन शादी हुई तो उस आत्मा का कहना है कि उस आत्मा ने पल्लवी के साथ ही 7 फेरे ले लिए और तब से वो पल्लवी को अपनी बीवी मानता है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, वो चीज वो बार बार कहता गया और कहता गया। और वो आत्मा साथ में ये भी बोलने लग गया कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं इस शरीर से, इस पल्लवी के शरीर से मैं कभी भी नहीं निकलूंगा, मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे कोई ऐसी जिन मत समझो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर जिन हूँ, मैं घोड़े सवार हूँ। तो घोड़े सवार क्या होता है गाइस ये मुझे नहीं नॉलेज था, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताइएगा मुझे भी, पर पूर्णा का ये कहना है, उन्होंने स्टोरी पे मेंशन किया था। तो घोड़े सवार जो है वो जिन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं एंड बहुत लोग उसे जिन्नात करके भी जानते हैं।
तो इस तरीके का चीज आत्मा ने बताया कि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है और वो उस शरीर को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो वो जो आत्मा था वो अपने एज से बहुत पहले मर गया था और उस आत्मा ने अपना नाम भी रिवील किया कि उसका नाम है अयान। तो बहुत कोशिशों के बाद भी पूर्णा के चाचा उस मसले को का हल ही नहीं निकाल पाए। वो आत्मा बहुत ज्यादा जिद्दी था और बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि कोई भी मंत्र, कोई भी पावरफुल चीजें जो भी पूर्णा के चाचा कर रहे वो उस पे कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था। आखिरकार फिर से दूसरी बार पूर्णा के चाचा जो है फिर से हार मान गए और फिर उन्होंने सिमरन को बताया कि एक काम करिएगा, आप अभी होली के एक दिन पहले आइएगा। अब होली के ठीक एक दिन पहले ही उनको इसलिए बुलाया गया था, जो पूर्णा ने स्टोरी पे मेंशन किया है हमें, वो इसीलिए क्योंकि वो लोग मानते हैं कि होली के एक रात पहले जो रात होती है वो पूर्णमासी का रात होता है एंड उस दिन जो है उस रात को जो है सारे जो स्पिरिट्स होते हैं वो काफी थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। इसलिए जो है पूर्णा के चाचा ने बोला है कि आप लोग उस दिन आइए और उस दिन हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। पर गाइस पहले मैं आपको बता दूं, मुझे इस चीज की एकदम नॉलेज नहीं है और मैंने ये कभी नहीं सुना है, पर क्योंकि ये रीजन उन्होंने दिया है कि क्यों बुलाया है इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया है। सो ये था रीजन जो पूर्णा ने हमें बताया है। तो इस वजह से एक दिन पहले सिमरन और पल्लवी को फिर से पूर्णा के चाचा ने जो है घर पे बुलाया, तो वो दोनों फिर से आए। तो पूर्णा का ये कहना था कि जब भी वो दो बहनें इस प्रॉब्लम के साथ वो आते हैं तो घर पे जैसे कि एक एकदम ही नेगेटिव एनर्जी जैसी एकदम स्प्रेड हो जाती है, बहुत ही मन जो है सबका उदास हो जाता है। एंड पूर्णा ने यह भी बोला कि उनको जो है काफी ज्यादा सांस लेने की दिक्कत हो जाती है जब भी वो दो बहनें, जो वो दो औरतें जैसे सिमरन और पल्लवी, वो दोनों जब भी पूर्णा के घर पे आते थे। पर एनीवे फिर जो है वो प्रोसेस उन्होंने उस दिन शुरू कर दिया एंड शुरू करने के लिए जो चाचा है पूर्णा के वो सवाल फिर से उस आत्मा से पूछने लग गए, उनको विनती करने लग गए कि इस शरीर को छोड़ के वो चले जाए। बट एज यूजुअल वो जो आत्मा था वो बहुत ज्यादा जिद्दी था एंड वो बिल्कुल ही बोल रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो काफी कोशिशों के बाद पूर्णा के चाचा ने जब बोला कि तुम छोड़ दो इस शरीर को, उसके दो बच्चे हैं, तो काफी ज्यादा बोलने के बाद उस आत्मा ने फाइनली बोला कि ठीक है मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा पर मेरी एक शर्त है। और वो शर्त ये था कि पल्लवी को हर पूर्णमासी रात में सज धज कर बिल्कुल एकदम और शीशे के सामने आके खड़ा होना पड़ेगा एंड वो आत्मा ने बोला कि मैं आऊंगा, उसे बस देखूंगा, उसे कुछ नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं करूंगा और मैं थोड़ी देर बाद ही चला जाऊंगा। बट अगर पल्लवी ये शहर छोड़ के चली जाती है तो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ये सुनने के बाद काफी रिस्क लिया पूर्णा के चाचा ने और उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी शर्त एकदम से मंजूर करता हूँ और अब तुम ये शरीर छोड़ के जो है एकदम से चले जाओ। इसके बाद 1, 2, 3, 4 साल तक पल्लवी जो है एकदम से सच धज कर हर पूर्णमासी के रात में अपने घर के जो शीशा है उसके सामने जाके खड़ी हो जाती थी और जो उस आत्मा ने कहा था, जो वादा किया था, वो उसी तरीके से वो वादा निभाता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है एंड पल्लवी भी अपना नॉर्मल लाइफ जी रही थी। बस यही है कि हर पूर्णमासी के रात में भले ही उसको कुछ नहीं दिखता था आसपास, बट वो तैयार होके जो है वो वहां पे आके खड़ी हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ये 4 साल तक तो वो कर रही थी, पर 4 साल के बाद 5वें साल में पल्लवी को जो है वो शहर फाइनली छोड़ के जाना पड़ा किसी अपने कारण की वजह से एंड वो चली गई। तो 5वें साल किसी ने नहीं सोचा था, पर पूर्णा के घर का जो शीशा है वो अचानक से 5वें साल का जो पूर्णमासी रात था उस दिन एकदम से वो शीशा टूट जाता है बहुत बुरी तरीके से एंड उसी दिन के बाद जो पूर्णा की दादी थी उस वक्त जब वो जिंदा थी उनकी तबीयत जो है उसी वक्त से बहुत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी। सभी जो है काफी टेंशन में थे उन दिनों। तो उसी बीच में पूर्णा की जो दादी थी उनको काफी ज्यादा मन था कि अपने इनोसेट परिवार के साथ शिरडी का दर्शन करे, शिरडी में जाके दर्शन करे। तो उस बीच में उनका ऐसा हालत हो गया था, तब भी पूर्णा के जो मम्मी पापा है सबने डिसाइड किया कि दादी को लेकर चलो, सभी लोग शिरडी लेकर ही जाते हैं। तो वो लोग शिरडी भी लेकर गए। वापस जब वो लोग लौटे तब दादी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और सभी बहुत ज्यादा टेंशन में थे और सब बहुत बहुत ज्यादा रो भी रहे थे। फिर 25 मई की बात है, उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। पूर्णा अपनी बहन के साथ घर के बाहर बैठी थी और कुछ बातें कर रही थी तो अचानक से उनको ऐसी फील हुआ कि कोई जैसे उनके घर में कोई घुसा है।
तो पहले तो उन्होंने देखा, सोचा कि पता नहीं कौन गया है, एकदम से एक परचाई टाइप उनको लगा कि ऐसे गई। तो इसलिए ये जानने के लिए कि कौन शायद कोई अंदर गया है, वो दोनों बहनें जो है अपनी दादी के कमरे तक पहुंची, तो उनकी दादी ने एकदम से उनको बोल दिया है कि वो आ गया है मुझे लेने के लिए। एंड फिर उन्होंने ये बोला है कि भगवान कृष्णा जी आए हैं मुझे लेने के लिए और तुम लोग दोनों जो है जल्दी से पाँव छुओ। तो ऐसा होता है जब किसी के सामने इन्हों डेथ होती है, तो इस तरीके की चीजें जो है उस टाइम पे वो इंसान बोलते हैं, क्योंकि ये मेरी दादी के साथ भी खुद हुआ था जब वो जाने लग गई थी, तो उनको भी इस तरीके के भगवान जो है उनकी आंखों के सामने आए थे। तो शायद मैं तो अभी तक तो यही मान रही हूँ कि पूर्णा की दादी के साथ भी यही हुआ था शायद। तो ये सब होने के बाद, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट डे 26 मई को। तो 27 मई को जो है पूर्णा का बर्थडे होता है, एंड क्योंकि दादी भी पूर्णा से बहुत ज्यादा प्यार करती है जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो 26 मई को काफी ज्यादा पूर्णा को फोर्स कर रही थी कि नहीं तुम अपने दोस्तों को बुलाओ और बर्थडे मनाओ, ये करो मेरे लिए, तुम लोग ज्यादा रो मत और ज्यादा टेंशन मत लो, बट तुम अपना बर्थडे मनाओ। तो फाइनली 27 मई को पूर्णा का बर्थडे होता है, एंड उस दिन अपने दादी के जिद के वजह से वो केक भी दादी ने ऑर्डर करवाया, अपने दोस्तों को भी बुलाया पूर्णा ने, क्योंकि दादी यही चाहती थी। नाउ क्योंकि पूर्णा की दादी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही थी कि सभी को जैसे लग रहा था कि पता नहीं कब कुछ इन्हों एक दुर्घटना हो जाए घड़ी पे, तो वो लोग सभी जो है दादी के साथ ही बैठते थे, ज्यादा समय दादी के साथ ही बिताते थे। सो उस दिन 27 मई को जिस दिन पूर्णा का बर्थडे था, पूर्णा ने बताया कि जो उनकी मम्मी है दादी के साथ सुबह से इन्हों बैठी थी, तो बट बीच में उन्होंने दादी से बोला कि मम्मी मैं नहा के आती हूँ फटाफट से, बहुत गर्मी है तो मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी। तो पूर्णा की दादी ने बोला कि ठीक है मैं ठीक हूँ तुम जाओ, तो वो चली गई। फिर करीब 4:13 पूर्णा ने स्टोरी पे मेंशन किया था, एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि उनकी जो दादी है वो सांसें जो है एकदम जोर जोर से वो लेने लग गई। ये देखने के बाद पूर्णा काफी ज्यादा घबरा गई और उन्होंने अपनी मम्मी को बुलाया, उनकी मम्मी भी आई दौड़ के एकदम, एंड फिर दादी ने पूर्णा का हाथ पकड़ा और उनकी मम्मी का हाथ पकड़ा, दोनों हाथ को अपने सीने में रख के वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। फिर उसी टाइम से 2020 तक पूर्णा को हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है, कोई उनको देख रहा है। उनको काफी ज्यादा स्लीप पैरालिसिस होते हैं, जब वो सोती है उनको पता है कि वो सपना देख रही है पर वो उठ नहीं सकती है, वो कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती है, उनकी आंखें नहीं खुलती है, वो रात को सपने में काफी ज्यादा चिल्लाती है। नाउ गाइस ये सुनकर आप और मैं शायद यही सोचेंगे कि यार वो एक बच्ची थी, इतना कुछ हो गया उस टाइम पे, इतना कुछ उसने अपनी आंखों के सामने देखा, फिर अपने दादी को खोया, तो शायद इस वजह से इस टाइप के इन सपने उसको आते हैं, इस टाइप की चीजें उनके साथ होती है। बट गाइज द स्ट्रेंज थिंग इज जब वो सुबह उठती है उनका हाथ और पैर जो है वो इतना दुखता था, इतना दुखता था कि मानो जैसे वो पूरी रात कहीं पे इन्हों भागी है, उस तरीके के बाद इन्हों सुबह उठ के जो पेन होता है वैसा पेन उनको पूरे हाथ और पैरों में होता था। तो इस तरीके की चीजें उनको होती थी। साथ में वो ये भी कह रही है कि इन्हों उनको काफी ज्यादा कोई जैसे सांस लेता है, वो ब्रेथनेस होती है ना, वो चीजें उसको जैसे महसूस होती है। इस तरीके की चीजें जो है पूर्णा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर रही थी। एंड उन्होंने ये एक और चीज मेंशन किया है जो अगेन बहुत बहुत ज्यादा वियर्ड है। एक रात को वो उठी थी तो उन्होंने देखा कि जो उनकी चाचू है वो वॉशरूम के लिए उठी थी, उन्होंने देखा कि उनकी चाचू किचन में जो है खड़े थे, तो उनको लगा कि शायद पानी पीने के लिए उठे होंगे। जब वो वॉशरूम से वापस आती है तो उन्होंने देखा कि उनकी जो चाचू है फिर भी वहीं पे खड़े है, तो उन्होंने बोल दिया कि चाचू यहाँ क्या कर रहे हो, और उनके चाचा ने जो गाइस एकदम कोई भी जवाब नहीं दिया। सो दिस इज सो स्ट्रेंज। फिर जब वो वापस आई तो चाचू का कमरा क्रॉस करके उसका कमरा था, तो उन्होंने देखा कि चाचू अपने कमरे में सो रहे थे। अगेन हर स्टोरी में एक पार्ट आता है जो बहुत गूजबम्स वाला होता है, मुझे इस समय इस वाले पार्ट में बहुत गूजबम्स आ रहे हैं लिटरली। बट इसके बाद वो जाके जो है तुरंत सो जाती है। एंड ये सब चीजें गाइस सिर्फ पूर्णा के साथ ही नहीं हो रही थी, पूर्णा की बहन को भी इस तरीके से हल्की फुल्की चीजें उनको भी जो है महसूस हो रही थी। तो पूर्णा ने ये अपनी सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताया, एंड मम्मी पापा जो है उन्होंने पूर्णा को बिलीव किया। वो काफी ज्यादा वरिड रहते हैं पूर्णा के लिए, काफी ज्यादा टेंशन ले रहे थे, पर थैंक गॉड इस टाइप की चीजें की नॉलेज अगर
कुछ ऐसा स्पिरिट हो या फिर ऐसी टाइप चीजें आप किसी से शेयर कर पाओ, तो ऐसी चीजों के जड़ तक पहुंचने के लिए जो इंसान चाहिए वो इंसान उनके घर पे ही थे, उनके चाचा, ये सब चीजों का इलाज करने के लिए। तो जब उन्होंने ये सारी चीजें अपने चाचा को बताई तो उनके चाचा ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम पॉजिटिव सोचो। और उन्होंने एक ताबीज दे दी थी पूर्णा को, एंड हमेशा वो ताबीज वो अपने साथ ही रखती है। और उस टाइम से उसके साथ इस तरीके की चीजें एक्सट्रीम वे में नहीं हो रहा है और आज वो बिल्कुल सेफ है, एंड वो ऐसी चीजें अब वो नहीं फील करती है, नहीं एक्सपीरियंस करती है। सो गाइज, दिस इज इट। सो ये कहानी थी पूर्णा ने जो हमसे शेयर किया था। सो ऑब्वियसली हम इस चीज पे तो कमेंट कर नहीं सकते कि दादी की डेथ क्या वो आत्मा के वजह से हुई या फिर दादी की एज हो गई थी या फिर कोई मेडिकल रीजंस की वजह से हुई थी, इस बात पे तो हम कमेंट नहीं कर सकते। बट यस, डेफिनेटली जो हुआ बहुत बुरा हुआ। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था जो लोग ऐसी चीजें बिलीव करते हैं वो शायद रिलेट कर पाए, पर जो लोग इस ऐसी चीजें में, सुपर नेचुरल चीजें में बिलीव नहीं करते हैं, सो आई थिंक उनके लिए मुश्किल होगा इस स्टोरी को सच मानना। सो या गाइस, तो यही कहानी थी पूर्णा की, एंड आई होप यू गाइस हैव लाइक्ड इट, एंजॉयड इट। थोड़ी सी लंबी थी बट ऑब्वियसली सस्पेंस से भरा हुआ था। एंड या सो आप लोग के पास भी अगर कोई रियल स्टोरीज है गाइस, सो डू लेट मी नो, एंड यू कैन मेल मी और यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप लोग चेक कर लीजिएगा। सो या गाइस, आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून विद अनदर रियल हॉरर स्टोरी। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।